अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशिया निट्स मिटन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये इसका योक बनाना बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको ये यहाँ से स्टार स्टिच में इसको किस तरह से बनाना है ये बताऊँगी। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम चेन थ्री करेंगे, 1 2 3। अब हुक से सेकंड चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे लेंगे, पर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। हुक के ऊपर हमारे पास दो लूप्स हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट चेन के अंदर से इसी तरह से लूप लेंगे। ये तीन लूप हो गए हमारे पास हुक पर। फिर ये बेस है इसका, इस स्टिच का ये बेस है, इसके ऊपर से एक लेंगे, चार हो गए। अब नेक्स्ट दो चेन्स में से दो लूप्स और लेंगे। एक और एक, ये दो। अब हमारे पास ये हुक पर छह लूप्स हो गए हैं। इन छह में से इकट्ठा निकाल लेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब ये जो होल मिला है इसी होल में से फिर से लेंगे, एक साइड से लिया, दो, ये हमारे पास तीन लूप हो गए। बेस में से लिया, चार, दो नेक्स्ट स्टिच, पांच, और एक ये छह, ये हो गए छह। अब इसको फिर क्लोज किया, दो, तीन, चार, पाँच, और एक ये छः, क्लोज़ किया। इस तरह से ये मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। इसी तरीके को हमने रिपीट करते हुए यहाँ तक करना है, तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं यहाँ पर स्टार स्टिच बनाते हुए आर्म होल तक पहुँच गई हूँ। ये वो चार चेन्स हैं जो हमने आर्म होल्स को जोड़ने के लिए ली थी। अब इनके ऊपर हमको दो स्टार स्टिच बनाने हैं, तो तरीका वही रहेगा। सेम होल में से लेंगे, साइड से लिया, दो, बेस में से लिया, तीन, यानी ये चार हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट दो स्टिचेस में से एक और एक, ये दो स्टिचेस में से दो लूप्स और ले लेंगे। ये छः हो गए फिर से, इन छः में से निकाल लिया, क्लोज़ किया, सेम होल में से लिया, दो, तीन, अब इसका ये बेस ये वाला है, चार, और नेक्स्ट दो स्टिचेस में से, पाँच, और एक ये छः, क्लोज़ किया। अब फिर इसी तरह से आगे बढ़ना है, एक, तीन लूप हो गए, बेस में से लिया, चार, और नेक्स्ट टू, पाँच, और ये छः लूप्स हो गए। छः में से इकट्ठा ले लिया, सेम में से लिया, साइड से लिया, बेस से लिया, और नेक्स्ट टू ले लिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, क्लोज़ किया। इसी तरह से ये अब हम कंटिन्यू करते हुए इस आर्म होल तक पहुँचेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं सेकेंड आर्म होल तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हमने फिर से इस इन चार स्टिचेज में दो स्टार स्टिच बनाने हैं। तो ये एक, तीन लूप हो गए, चार लूप हो गए। अब इन दो स्टिचेज में पाँच और एक ये छः, क्लोज करेंगे, दो, तीन, बेस में से लिया, चार, पाँच,
पांच और एक ये छः। अब यहां से यहां तक फिर से इसी तरीके से करना है, यहां से यहां तक रिपीट करते हुए लेकर आएंगे। अगर आपको स्टार स्टिच किस तरह से करते हैं देखना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे वहां जाकर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और जो ये स्टार स्टिच है ये 2 रोज़ में कंप्लीट होता है, इसकी ये 2 रोज़ हम करेंगे तो इसका एक स्टार स्टिच ये कंप्लीट होगा। तो अभी ये इसकी फर्स्ट रो चल रही है। ये सेम उसी तरीके से बनेगा। तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक ये छः। क्लोज किया, सेम में से, साइड से, बेस से और नेक्स्ट 2 स्टिचेस। मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं स्टार स्टिच की फर्स्ट रो बनाते हुए एंड में पहुँच गई हूँ। अब एंड में हमने इसको एक चेन करके क्लोज़ करना है और एक हाफ डबल क्रोशे डालना है। हर बार लाइन के एंड में हमने रो के एंड में एक हाफ डबल क्रोशे डालना है, जिससे हमारी लाइंस जो हैं दोनों साइड से वो इक्वल रहें। अब इसके बाद हम ये इसकी ये सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए चेन 2 करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हमने जितने भी ये होल्स बनाए थे, ये आईज बनाई थी, इनके अंदर हाफ डबल क्रोशे करना है सब में। वो किस तरह से हुक पर बल लेंगे और ये फर्स्ट होल जो है इसके अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे, एक और एक ये तीन, तीन का एक, दो। अब इसी तरह नेक्स्ट में भी करेंगे, तीन, तीन का एक, एक बार फिर से सेम होल में। इस तरह से हमने ये पूरी रो में 2 हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। तीन, तीन का एक, सेम में एक बार फिर से, नेक्स्ट में हम एक, दो, एक, सेम में एक बार फिर से, दो, एक और एक ये दो। ये पूरी रो हमने इसी तरह से करनी है। ये अब हम ये आर्म होल के यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने एक बार इस रो में एक बार इंक्रीज़ और करेंगे हम। तो वो इंक्रीज़ किस तरह करेंगे, ये इसका लास्ट जो था आया था हमारा, ये फ्रंट का लास्ट जो है उसमें हमने ये 2 हाफ डबल क्रोशे डाले हैं। जो आर्म होल के नीचे के ये 2 हमारे स्टार स्टिच बने हुए हैं, इनमें हमने तीन तीन हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। तो ये 2 हो गए थे, इसके अंदर अब हम ये 3 डालेंगे, ये एक, दो और एक ये तीन। इसी तरह इसके नेक्स्ट वाले में भी हम 3 डालेंगे, एक, दो और एक ये तीन। ये तीन तीन डल गए हैं। इसके बाद फिर से वही यहाँ से 2 2 स्टार्ट हो जाएंगे, ये एक और एक ये दो। अब नेक्स्ट में फिर से हमारे 2, इस तरह से आएंगे। अब यहाँ से फिर ये यहाँ तक हम ये 2 2 डबल क्रोशे डालेंगे और ये जो दोनों हैं हमारे जो आर्म होल के नीचे बने हुए दोनों हैं, इसके अंदर हम 3 3 डालेंगे। उसके बाद फिर से ये यहाँ से यहाँ तक हम 2 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कर कर मिलती हूँ। ये मैं 2 2 हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ।
अब ये लास्ट में हमने जो है वो एक हाफ डबल क्रोशे डालना है। इसे हम किसी काउंटिंग में नहीं लेंगे, ये सिर्फ इसलिए है कि वो हमारी लाइन सीधी रहे। इसके बाद ये हमारी अब ये एक रो जो है वो स्टार स्टिच की कंप्लीट हो गई है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो अब हमने फिर से इसकी ये वाली रो स्टार्ट करनी है, फर्स्ट रो फिर से इसको रिपीट करना है। तो उसको रिपीट करने के लिए चेन थ्री करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। अब ये जो फर्स्ट हमारा स्टिच है, फर्स्ट चेन है, इसमें से एक लूप लिया, सेकंड में से एक और लूप लिया, ये बेस है इसमें से एक लूप लिया, ये चार हो गए। अब ये हमारे जो दो स्टिच हैं ये वो आ गए जो हमने पिछली रो में हाफ डबल क्रोशे किए थे, ये दोनों। तो इन दोनों में से एक एक स्टिच लेंगे, ये पाँच और एक ये छः। अब इन छः में से इकट्ठा निकाल लेंगे, फिर इसको चेन करके क्लोज़ किया, सेम में से लिया, साइड से लिया, तीन हो गए, बेस से लिया चार, और ये फिर से हमारे दो आ गए जो हमने हाफ डबल क्रोशे किए थे। तो ये पाँच और एक ये छः। अब ये छः लूप हो गए, इन छः में से इकट्ठा निकाल लेंगे, फिर से इसको चेन करके क्लोज़ किया, सेम में से लिया, साइड से लिया, बेस से लिया, और ये दो जो हैं वो हाफ डबल क्रोशे वाले नेक्स्ट टू चेन्स, ये छः हो गए, इन छः में से इकट्ठा निकाल लिया। हमने इसी तरह से इस रो को पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना है, यहाँ तक लास्ट में, और उसके बाद फिर से वही दो हाफ डबल क्रोशे वाली रो आ जाएगी। अभी जो हमने बनाया है वो यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास टोटल 41 स्टार स्टिच थे, पर हमने यहाँ पर ये एक 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 इंक्रीज अभी इसमें किया है, जो उससे हमारा यहाँ पर भी एक बढ़ जाएगा और इस आर्म होल में भी एक स्टार स्टिच बढ़ जाएगा। तो जब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे तो मेरे पास टोटल 43 यानी 43 स्टार स्टिच होने चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये 43 स्टार स्टिच बना लेंगे हम लोग, और इसके बाद जो है हमने कोई भी इसमें इंक्रीज़ नहीं करना है। उसके बाद इसको 43 को एज़ इट इज़ बार बार यही दो रोज़ रिपीट करके बनाते जाना है। ये हमारी एक रो कंप्लीट हुई है इतनी, तो ऐसी टोटल हमने 9 रोज़ बनानी है। तो ये हमारी एक रो हो गई है, इसकी पूरी लेंथ के लिए हमने इसकी यहाँ यहाँ से यहाँ तक नीचे 9 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये 9 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने स्टार स्टिच की 9 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। हमारी एक स्टार स्टिच की रो जो है वो 2 रोज़ में कंप्लीट होती है। तो ये इसमें टोटल मैंने ये 18 रो मतलब रोज़ बनाई हैं, जिसमें ये मेरे 9 स्टार स्टिच की रोज़ कंप्लीट हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो ये वैसे इसके अगर हम लेंथ को नापें तो ये हमारी 6.5 इंचेस तैयार होनी चाहिए। इसके बाद हमने अब ये इसका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने इसमें ये वाइट कलर जो है वो अटैच कर दिया है। अब हमने ये वाइट कलर अटैच करने के बाद यहाँ से इसके ये पहले नीचे का ये बनाना है बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने के लिए हर स्टिच में हम इसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी दो दो का एक। इस तरीके से हमने ये पूरी रो जो है वो सिंगल क्रोशे की करनी है। ये हमारा सिंगल क्रोशे हो रहा है, इस तरह से हमने ये पूरी रो यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशे की रो करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं सिंगल क्रोशे करते हुए रो की एंड में आ गई हूँ। यहाँ से अब हमने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है, तो चेन टू करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। इसके बाद जो हमने फर्स्ट स्टिच है वो हमने करना है फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे का। तो हुक पर बल लेकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे ना करते हुए स्टिच के ऊपर इस तरह से करेंगे हम। बल लिया, तीन किया, तीन का एक। अब बैक पोस्ट है तो पीछे से लेंगे, पुश करेंगे, तीन तीन का एक। फ्रंट पोस्ट आगे से, बैक पोस्ट पीछे से,
इस तरह। इसमें इस रो में हमने एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे किया है और एक बैक पोस्ट, फिर ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। इसी तरह से हमने ये पूरी रो जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये अलग से देखना चाहते हैं कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे कैसे करते हैं, तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसे वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरी रो यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पोस्ट और हाफ पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए लास्ट में आकर मिलती हूँ। ये मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुंच गई हूँ। ये लास्ट में अब मैंने ये एक हाफ डबल क्रोशे करना है। अब वर्क को टर्न करेंगे फिर से, चेन टू, वर्क टर्न किया। इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये पहला स्टिच है ये हमें जो नज़र आ रहा है ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे का है, तो इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करना है। वो इस तरह से तीन तीन का एक, ये बैक पोस्ट नज़र आ रहा है तो ये पीछे से ऐसे तीन तीन का एक बैक पोस्ट है, ये तीन तीन का एक। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, ये आगे उभरा हुआ नज़र आ रहा है तो फ्रंट पोस्ट है, तो ये बैक पोस्ट। नेक्स्ट, ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करते हुए ये यहाँ से यहाँ तक। ये मैं सेकंड रो के एंड में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करके आ गई हूँ। अब इसके बाद हमने थर्ड और लास्ट रो बनानी है, तो फिर चेन टू करके इसको टर्न करेंगे वर्क को। अब जहाँ हमें फ्रंट पोस्ट नज़र आ रहा है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट, और जहाँ बैक पोस्ट नज़र आ रहा है वहाँ पर बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो ये फर्स्ट जो है ये स्टिच हमारा ये फ्रंट पोस्ट का है, तो ये हमने फ्रंट पोस्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टिच जो ये है ये बैक पोस्ट का है, तो ये हमने बैक पोस्ट करना है। फिर ये फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर ये ऐसे बैक पोस्ट करेंगे। ये इस तरह से ये हमने पूरी रो फिर से कंप्लीट करनी है, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। तो ये फ्रंट पोस्ट ऊपर नज़र आ रहा है तो ये इस तरह से इसमें से लेके करेंगे ये फ्रंट पोस्ट, और नेक्स्ट बैक पोस्ट है तो ये बैक पोस्ट, फिर ये फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट बैक पोस्ट। ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरी रो फिर से यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे और एक बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ, और यहाँ पर मैंने आकर इसको बंद कर दिया है। अब हमने ये साइड्स के जो हैं इन यहाँ दोनों के बॉर्डर बनाने हैं, तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये क्लोज़ कर दिया है, हमने धागे को यहाँ पर अटैच कर दिया है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ से हम फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहले एक चेन लेंगे और उसके बाद ये फर्स्ट के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे डाल देंगे, ये सेकंड इसके अंदर स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे, थर्ड में एक और, ये फोर्थ नेक्स्ट स्टिच में एक और। ये हमने इस बॉर्डर के अंदर ये चार हाफ डबल क्रोशे डाल दिए हैं। इसके बाद अब हम ये हमारा सेकंड कलर स्टार्ट हो गया है, ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे, और ये सेंटर का जो आ गया इसमें ये रो का जो आई वाला सेंटर है इसके अंदर हम दो हाफ डबल क्रोशे डाल देंगे, एक और एक, ये दो। इसके बाद ये कॉर्नर वाला है लास्ट वाला, इसमें एक, फिर ये सेंटर आ गया इसके अंदर दो, फिर
कॉर्नर वाला है इसमें एक, सेंटर वाले में ये दो, एक फिर ये दो, इस तरह से हमने ये इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे और दो हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से हमने ये यहाँ तक बना लेने हैं पहले, इस कलर के एंड तक यहाँ तक बना लेने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं दो एक करके लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ मैंने जहाँ पर ये एंड हो रहा है, वाइट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे और डाला है। इसके बाद जो ये योग के हमारी सिक्स रोज हैं, ये एक दो तीन चार पाँच और छः, इन छः रोज के अंदर हमने दो दो हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। तो ये फर्स्ट रो का ये फर्स्ट जो स्टिच है इसकी, उसमें हमने ये दो डाल देंगे। उसके बाद ये सेकंड है, इसके अंदर भी दो हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। फिर से दो, नेक्स्ट में दो, फिर से नेक्स्ट में दो, ये सिक्स्थ लास्ट है, इसके अंदर भी हम ये दो डाल देंगे। इसके बाद ये हमारी जो ये है, ये लास्ट स्टिच आ गया, जो ये चेन स्टिच हमारा था, जो सिंगल क्रोशे हमने नेक का किया था। तो ये लास्ट वाला है, इसके अंदर हम तीन हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। इसको टर्न करने के लिए एक दो और एक ये तीन, तीन डबल क्रोशे हो गए। अब इसके बाद हमने ये नेक के जितने भी स्टिचेस आ गए हैं, ये हमने इसको टर्न करने के लिए यहाँ पर लास्ट में ये तीन हाफ डबल क्रोशे डाल दिए। अब हर स्टिच के अंदर हमने फिर से एक नेक लाइन के ऊपर हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। ये हमारी नेक लाइन है, जो इसमें मैंने हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे कर दिए। ये पूरी नेक लाइन पे करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं नेक लाइन के एंड में आ गई हूँ। अब ये लास्ट स्टिच बचा है, इस लास्ट स्टिच के अंदर मुझे तीन हाफ डबल क्रोशे डालने हैं, क्योंकि फिर से मुझे ये टर्न करना है। तो एक दो और ये तीन हाफ डबल क्रोशे डाल दिए। इसके बाद फिर से ये सिक्स रोज जो हैं, एक दो तीन चार पाँच और एक ही छः, इन सिक्स रोज के अंदर हमें दो दो हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। जैसे हमने उस तरफ किया था, वैसे ही हम इस तरफ भी करेंगे। तो ये फर्स्ट है, तो इसके अंदर हम ये दो डालेंगे। फिर से इसके सेकंड वाली स्टिच में, इसमें भी दो, एक और एक ये दो, एक और एक ये दो, एक दो, फिर से नेक्स्ट में दो, एक और एक ये दो, लास्ट है इसके अंदर भी दो डालेंगे। अब ये लास्ट इसके अंदर एक। अब फिर से ये हमारा सेकंड कलर स्टार्ट हो गया है। तो जैसे हमने उस तरफ किया था एक और दो, यानी हर इसके अंदर हमने तीन तीन डाले थे, तो पहले इसके अंदर हम एक डालेंगे, ये। अब ये वाला जो है, इसके अंदर हम फिर से दो डालेंगे, एक दो। अभी इस वाले के अंदर एक,
अब हमारे ये जो स्टिच है इसके बीच में ये सेंटर में हम दो डालेंगे, उसके बाद ये एक, फिर ये दो के बाद ये सेंटर है इसका, इसमें हम दो डालेंगे, इसके बाद ये साइड का आ गया, इसमें एक, फिर ये सेंटर है इसका दो, सिंगल, फिर ये सेंटर है इसका दो, सिंगल दो, सिंगल दो, सिंगल दो, सिंगल दो, सिंगल। अब ये लास्ट वाला है, इसमें हम एक ये सिंगल डाल देंगे। अब ये फिर बॉर्डर के जो ऐसे हमने उस तरह बनाए थे, बॉर्डर के हमको चार हाफ डबल क्रोशे डालने हैं इसमें। तो ये एक, दो, तीन और ये लास्ट का चार। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रो जो है वो नेक लाइन से होते हुए कंप्लीट हो गई है। अब हमको सेकेंड रो बनानी है। यहाँ से हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे, चेन टू और वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हमने जैसे इसमें किया था एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे और एक बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, वैसे ही इसमें करना है। तो फर्स्ट जो है हम ये इस तरह फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करेंगे, इसके बाद ये बैक पोस्ट, फिर ये फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट, फिर ये फ्रंट पोस्ट, उसके बाद ये बैक पोस्ट। ये इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए इस वाइट ये कलर जहाँ पर वूल तक मैंने काम किया हुआ है यहाँ तक हमने काम करना है। तो मैं यहाँ पर आकर आपको मिलती हूँ। एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट करते हुए मैं इस फर्स्ट रो में यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब हमने यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर हमने जो है वो करने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ही है इस वाइट योक के ऊपर भी, पर वो हाफ डबल क्रोशे ना करके पूरे डबल सिर्फ डबल क्रोशे करने हैं। तो ये मेरा यहाँ पर बैक था, अब हम मुझे फ्रंट करना है। तो फ्रंट करने के लिए ये मैं तीन किया, तीन का दो, दो का एक। अब बैक पोस्ट है तो तीन, तीन का दो, दो का एक, फिर फ्रंट पोस्ट है दो एक। करने हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हैं, पर योक पर हमने ये डबल क्रोशे करने हैं। अब ये बैक है तो नेक्स्ट फ्रंट, नेक्स्ट बैक, फिर फ्रंट, नेक्स्ट
नेक्स्ट ये बैक है, फिर से ये फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट करते हुए मैं इस फर्स्ट रो में यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब हमने यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर हमने जो है वो करने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ही है इस वाइट योक के ऊपर भी, पर वो हाफ डबल क्रोशे ना करके पूरे डबल, सिर्फ डबल क्रोशे करने हैं। तो ये मेरा यहाँ पर बैक था, अब हम मुझे फ्रंट करना है। तो फ्रंट करने के लिए ये मैं तीन किया, तीन का दो, दो का एक। अब बैक पोस्ट है तो तीन, तीन का दो, दो का एक। फिर फ्रंट पोस्ट है दो एक, करने हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट है, पर योक पर हमने ये डबल क्रोशे करने हैं। अब ये बैक है तो नेक्स्ट फ्रंट, नेक्स्ट बैक, फिर फ्रंट, नेक्स्ट ये बैक है, फिर से ये फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। अब ये जो टर्न हमने किया था तीन, वो वाले आ गए हैं, तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है। ये फ्रंट था, तो नेक्स्ट अब हमारा बैक आएगा। फिर फ्रंट, फिर ये बैक, अब ये वहाँ, ये हमारे नेकलाइन के जो हमने लास्ट टाइम सिंगल क्रोशे किए थे वो रो आ गई है, तो इसमें हमने अब हाफ डबल क्रोशे करने हैं फ्रंट पे पोस्ट और बैक पोस्ट। तो ये बैक आया था, ये अब फ्रंट आएगा हमारा। ये हमने हाफ डबल क्रोशे अब यहाँ करने हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्रंट के बाद बैक आएगा हमारा, फिर नेक्स्ट ये फ्रंट आएगा, ये मैं यहाँ पर लास्ट में पहुँच गई हूँ जहाँ पर हमने ये तीन एक ही स्टिच में तीन हाफ डबल क्रोशे किए थे। तो यहाँ पर अब हमने, यहाँ पर हम डबल क्रोशे कर रहे थे फ्रंट और बैक पोस्ट, इन तीन स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशे फिर से करने हैं। तो ये मेरा फ्रंट था, तो बैक आएगा, तो बैक के लिए यहाँ पीछे से करना है मुझे ये। तीन, तीन का एक, फिर नेक्स्ट सेंटर का हमारा ये फ्रंट है, और ये थर्ड स्टिच जो है वो बैक है। इसके बाद ये हमारे नेक लाइन का शुरू हो गए हैं सिंगल क्रोशे की, जो हमने लास्ट टाइम रो की थी। इसके अंदर हमने फिर से फ्रंट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करने हैं। तो ये मेरा बैक पोस्ट आया था, नेक्स्ट मेरा फ्रंट पोस्ट आएगा। तो ये इसके अंदर इस तरह से मैं ये एक फ्रंट पोस्ट करूँगी, और नेक्स्ट जो है इससे वो बैक पोस्ट करूँगी। फिर ये फ्रंट पोस्ट, फिर से ये
बैक पोस्ट, ये इस तरह से ये पूरी नेक लाइन पे करते हुए एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे और एक बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। नेक लाइन की दूसरी तरफ पहुँच गई हूँ, यहाँ पर ये लास्ट के एक ही स्टिच में जो हमने तीन किए थे हाफ डबल क्रोशे, मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब हमने इसमें भी वैसे ही एक हाफ डबल क्रोशे करने हैं इन तीनों में, तो ये मेरा फ्रंट था, अब नेक्स्ट मेरा बैक आएगा। फिर सेंटर का ये फ्रंट, थर्ड ये बैक, इसके बाद जैसे हमने इस तरफ योक में किया था डबल क्रोशे किए थे, वैसे ही हमने इस तरफ फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे करने हैं सिर्फ योक में। ये मेरा बैक पोस्ट था, अब फ्रंट पोस्ट आएगा, तो ये इसके अंदर इस तरह से मैं करूँगी। नेक्स्ट मेरा ये बैक पोस्ट है, सॉरी यहाँ पर हमें ये डबल क्रोशे करना है, तो ये तीन, तीन का दो, दो का एक, फिर ये बैक पोस्ट है, तीन दो एक, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, फिर ये बैक पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट है, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और ये की बैक पोस्ट। इसके बाद ये हमारा फिर से हम ये लास्ट ये कलर्ड उसमें पहुंच गए हैं, तो यहाँ कलर्ड पोर्शन में जो है हमने सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ़ डबल क्रोशे फिर से करने हैं। तो ये हमारा बैक पोस्ट था, नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा, तो अब यहाँ से हमें हमने ये हाफ डबल क्रोशे तीन का एक शुरू कर देना है, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ये हाफ डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करते हुए मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ, अब यहाँ से हमने फिर टर्न करना है, तो चेन टू और टर्न करेंगे, फिर से हमने हाफ डबल क्रोशे करने हैं, जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और जो बैक पोस्ट है उस पर बैक पोस्ट। तो ये फर्स्ट मेरा ये फ्रंट पोस्ट है, तो ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, फिर ये नेक्स्ट बैक पोस्ट है, तो ये बैक पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट, इसी तरह से ये हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर पहुँच के हमने फिर से ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे ही करने हैं इस बार। पहले लास्ट रो में हमने ये डबल क्रोशे किए थे, इस बार हम हाफ डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पर आकर हमने जैसे ये हमें नज़र आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करना है, और इसी तरह से ये पूरी नेक लाइन पे जैसे हमें नज़र आ रहा है सेम वैसे ही करते हुए हमें यहाँ तक आना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने मार्कर्स लगाए हैं ये मैंने बटन होल्स के लिए लगाए हैं, तो यहाँ पर हम बटन होल्स किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले मैं आपको ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए नेक लाइन के इस दूसरी तरफ आकर मिलती हूँ।
ये मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुंच गई हूँ। मुझे अपना फर्स्ट जो बटन होल है वो इस जगह बनाना है, तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चेन वन करूँगी मैं, और उसके बाद चाहे मेरा जो भी आ रहा है फ्रंट पोस्ट आ रहा है तो फ्रंट पोस्ट, आपका बैक पोस्ट आ रहा है तो बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे कर देंगे। इस जिस पर हमने मार्कर लगाया उस स्टिच को हमने स्किप करना है हर बार। तो ये मेरा फ्रंट पोस्ट आया है तो मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बना दूंगी। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट बैक पोस्ट है, तो ये बैक पोस्ट, फिर ये फ्रंट पोस्ट, फिर ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। अभी मेरा फिर से ये जो आया मार्कर ये फ्रंट पोस्ट पर आया, तो मैं इसको ये स्किप करूँगी, एक चेन बनाऊँगी और इसको स्किप करके नेक्स्ट मेरा ये बैक पोस्ट है तो ये मैं बैक पोस्ट कर दूँगी। फिर जैसे हम कर रहे थे पहले उसी को रिपीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है, ये हमारे बटन होल्स बन रहे हैं। इसके बाद ये जो मेरा नेक्स्ट आया है इसको मैंने स्किप करना है, और इसको स्किप करने के लिए एक चेन करेंगे और इसको स्किप करके नेक्स्ट मेरा बैक पोस्ट है तो ये मैं बैक पोस्ट बना दूंगी। ये मेरा दूसरा बटन होल बन गया है। तो इसी तरह से मैं ये करते हुए यहाँ पर लास्ट में आपको आकर मिलती हूँ। ये मैं सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर आके हमने इसको एक चेन करके बंद कर देना है। यहाँ पर ये हमारा जो है ये बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमने जो है स्लीव्स बनानी है, तो अब स्लीव्स कैसे बनानी है ये मैं आपको अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।